आप देख रहे हैं RBKP इंडिया न्यूज। संसद में अध्यादेश लाने का ज्ञापन किया जा रहा है, इसका आपको पूरा ज्ञापन पढ़ के बता रहा हूँ। शिवसेना, छावनी किसान संघ, अखिल भारतीय छावनी उत्थान एवं संघर्ष समिति तथा छावनी निर्वाचन नियम 10(3) की गलत व्याख्या करके जबलपुर कैंट बोर्ड के द्वारा मनमानी करते हुए जिन 24,000 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, वे आपसे जनहित में निम्न मांगे करते हैं कि कैंट एक्ट 1924 जो वर्तमान में 2006 हो गया है, अंग्रेजों का काला कानून खत्म हो और 24,000 मतदाताओं को मताधिकार एवं जमीन मकान का मालिकाना हक दिया जाए। जब हम लोग लोकसभा विधानसभा में मतदाता हैं तो कैंट चुनाव में क्यों नहीं? हम भी इस देश के नागरिक हैं, ना कि घुसपैठी या शरणार्थी। हमें कैंट चुनाव में भी मताधिकार दिया जाए। संसद में अध्यादेश लाकर हम 24,000 मतदाताओं को स्थायित्व एवं सैन्य विभाग से भूमि अदला बदली कर जमीन मकान का मालिकाना हक घोषित करते हुए मताधिकार दिया जाए। तो ये जो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि अभी जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनहित में 22 दिसंबर 2019 को दिल्ली की लगभग 1700 अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित किया है, तो फिर हमें क्यों नहीं? हमारे द्वारा की जा रही मांगों को पूर्ण करने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है, अतः संसद में अध्यादेश लगाकर हमें संविधान में प्राप्त सभी मूलभूत अधिकार कैंटवासियों को दिए जाएँ, अन्यथा हमारा विरोध प्रदर्शन।